रायपुर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। हालांकि कोरोना ने तमाम त्योहारों को फीका कर दिया है। वही राजधानी में भगवान गणेश का एक ऐसा मंदिर है जहां भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 40 साल सिर्फ के पुराने मंदिर बुढ़ेश्वर से भगवान गणेश की प्रतिमा मिली थी जो जमीन के अंदर से निकली है और तब से इन्हें विराजित किया गया है। ये मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाया जाता है। जो भी आज तक उदास आया वो हंसता हुआ गया है और कामनाएं लोगों की पूर्ण होती हैं और लोग यहाँ रोज श्रृंगार कराते हैं, भगवान का चोला चढ़वाते हैं, वस्त्र चढ़वाते हैं, अभिषेक करवाते हैं और जो जिस कामना से करवाता है लगभग लगभग उनकी सभी की लोग कामनाएं पूर्ण होती हैं।